दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। लैपटॉप के मामले में हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं। किसी को बस पढ़ाई लिखाई करनी होती है, किसी को मूवी देखना होता है, किसी को ऑफिस का काम निपटाना होता है, तो किसी को गेमिंग करनी होती है। इनमें से हर काम के लिए अलग बजट में लैपटॉप आते हैं जिनके स्पेक्स भी अलग होते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है और आपका काम बस पढ़ाई लिखाई और ऑफिस तक ही सीमित है, तब तो आपको अपने बजट में एप्पल मैकबुक लेने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन अगर बजट कम है और आप पढ़ाई और काम के अलावा भी अपने लैपटॉप पर कुछ करना चाहते हैं, तब तो विंडोज़ लैपटॉप ही एक चारा है। मार्केट में बहुत सारे प्राइस रेंज में अलग अलग खूबी वाले विंडोज़ लैपटॉप मौजूद हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लैपटॉप का चुनाव कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। CPU या प्रोसेसर, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप में देखनी है वो है CPU या प्रोसेसर। जैसे स्कूल में सिखाया गया था, इसे आप अपने लैपटॉप का दिमाग भी कह सकते हैं। यहीं से आपका लैपटॉप सोचता समझता है और सारे काम पूरे करता है। ये जितना अच्छा और तेज़ होगा आपका लैपटॉप उतना ही बेहतरीन होगा। अगर आपको प्रोसेसर और चिप का कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी मुमकिन है कि आपने इंटेल के Core i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर का नाम तो सुना ही होगा। शायद कभी कभार AMD के चिप के बारे में भी कान में कहीं से कुछ पड़ा होगा। सही चिप के चुनाव के लिए ये जान लीजिए कि कौन सी चिप किसके लिए है। इंटेल की चिप। Core i3 वाले लैपटॉप सस्ते होते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन्हें बस पढ़ाई लिखाई, मूवी और हल्का फुल्का लिखने वाला काम होता है। ऑफिस का काम करते में Core i3 वाले लैपटॉप अटकने लग जाते हैं, भले आप इसमें 8GB रैम डाल दीजिए। इसके लिए आपको Core i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेने चाहिए। अगर आपको अपने लैपटॉप पर भारी भरकम गेम खेलने होते हैं, तब तो Core i7 से नीचे वाले किसी लैपटॉप की तरफ देखिएगा भी नहीं। अगर आपका काम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है जिसके लिए Core i7 की पावर भी कम पड़ जाएगी, तब तो Core i9 वाला लैपटॉप बचता है। लेकिन हमारी राय में अगर नौबत यहाँ तक आ जाती है, तब आपको लैपटॉप की जगह i9 चिप वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। डेस्कटॉप में लगे हुए पंखे आपकी मशीन को ज़्यादा ठंडा रख पाएंगे और स्पीड भी ज़्यादा आएगी। इनके अलावा भी इंटेल की कुछ चिप है, मगर वो लेना इतना बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं AMD की चिप की। इंटेल की ही तरह इस वक्त AMD की Ryzen 3, 5, 7 और 9 चिप जो हैं वो अच्छी हैं। ठीक इंटेल की चिप की तरह जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी पावर बढ़ती जाती है और साथ ही कीमत भी। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस्तेमाल के हिसाब से इंटेल या AMD की कौन सी चिप लेनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल पैदा हो गया कि इंटेल और AMD के चिप में से कौन सी बेहतर है। तो इसका कोई तय जवाब नहीं है। इंटेल और AMD की चिप कई सालों से चली आ रही हैं, मगर टाइम टाइम पर इनका नया मॉडल आया करता है जिसे जनरेशन के नाम से जाना जाता है। किसी साल इंटेल का प्रोसेसर बेहतर होता है तो किसी साल AMD का। आप चिप का चुनाव करते वक्त ये देख लीजिए कि आप लेटेस्ट जनरेशन की चिप ले रहे हैं या फिर हद से हद पिछली जनरेशन की। अब बात आती है रैम की। आपके लैपटॉप की रैम इसकी मल्टीटास्किंग की क्षमता को तय करती है, मतलब कि एक वक्त पर आपका लैपटॉप कितने प्रोग्राम चला सकता है या कितना भारी काम कर सकता है। पहले 4GB रैम काफ़ी हुआ करती थी, मगर अब 8GB से कम में कुछ नहीं होता। अगर आपको लैपटॉप बस थोड़ा बहुत मनोरंजन या स्कूल की ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए लेना है, तो आप Core i3 या Ryzen 3 चिप के साथ 4GB रैम वाला लैपटॉप ले सकते हैं, मगर ये ध्यान रखिए कि ये मशीन और कुछ करने में रो देगी। सेफ साइड पर रहने के लिए 8GB रैम ज़रूर लीजिए। अगर आपका काम Core i5 या Ryzen 5 चिप वाला है, तो 8GB रैम से नीचे मत लीजिए। ऐसे ही Core i7 या Ryzen 7 के साथ 16GB रैम लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि Core i7 या Ryzen 7 लिए बिना ही थोड़ी बहुत गेमिंग या वीडियो एडिटिंग हो जाए, तो आप Core i5 या Ryzen 5 लैपटॉप में ही 16GB रैम लगा सकते हैं। हाँ, बस साथ में एक ग्राफिक कार्ड भी लगा लेंगे तो अच्छा होगा। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर आप अपने लैपटॉप की रैम को निकाल कर बेच भी सकते हैं और थोड़े पैसे मिलाकर ज़्यादा रैम खरीद भी सकते हैं। अब बात GPU या ग्राफिक की। जिस तरह CPU सारा गुणा भाग करता है, ठीक वैसे ही आपकी स्क्रीन पर चलने वाला क्रियाकर्म आपके लैपटॉप की ग्राफिक मेमोरी के हाथ में होता है।
ये जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ही आसानी से विजुअल टास्क या दिखाई पड़ने वाले काम कर पाएंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग करना, गेम खेलना वगैरह वगैरह। अगर इस तरह के काम आपको करने हैं तो पहली बात आपको कोर i3 या राइजन 3 से ऊपर वाला प्रोसेसर लेना होगा, यानी i5 या राइजन 5, और उसके साथ ही एक ग्राफिक कार्ड भी लेना होगा। ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप को मक्खन जैसा स्मूथ बना देते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल ग्राफिक कार्ड का इतना भौकाल होता है कि एक कोर i5 वाला लैपटॉप जिसमें 16 GB रैम है और बढ़िया ग्राफिक कार्ड हो तो वो कोर i7 के बेसिक लैपटॉप से भी बेहतर होता है। ग्राफिक कार्ड के मामले में NVIDIA और AMD कंपनियों का नाम आगे है। ये अलग अलग पावर वाले होते हैं और उसी हिसाब से इनकी कीमत भी तय होती है। बस आप लैपटॉप खरीदते वक्त देख लीजिए कि आपने जो लैपटॉप लिया है उसमें ग्राफिक कार्ड है कि नहीं, और अगर है तो कौन सा है। लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत वाला भी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अब बस आपके लैपटॉप की कीमत को बढ़ा देगा। इंटेल और AMD दोनों के प्रोसेसर अपने अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ आते हैं। इंटेल वाले ग्राफिक को UHD कहते हैं और AMD वाले रेडॉन नाम से जाने जाते हैं। इनमें से आमतौर पर AMD की ग्राफिक यूनिट बेहतर होती है। अगर आपको ग्राफिक मेमोरी अच्छी चाहिए मगर आपका बजट आपको ग्राफिक कार्ड लेने की इजाज़त नहीं दे रहा, तब आपके लिए AMD का प्रोसेसर अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लैपटॉप की स्टोरेज की। पहले के कंप्यूटर और लैपटॉप में स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD लगी रहती थी। ये वो मशीन थी जिसमें आपका सारा डेटा सेव रहता था, मगर ये स्लो थी, भारी थी, काफ़ी गर्म हो जाती थी और आवाज़ भी खूब करती थी। इनकी जगह ले ली है अब सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD ने। इनके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है और इन्हीं की मदद से लैपटॉप पतले और हल्के हो पाए हैं। लैपटॉप लेते वक्त SSD स्टोरेज वाला लैपटॉप ही लीजिए, भले ही आपका काम चाहे जैसा हो। बस आप ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए कि आपको 256 GB स्टोरेज चाहिए या 512 GB। और ज़्यादा स्टोरेज में अगर SSD नहीं है तो आप ऐसा लैपटॉप भी देख सकते हैं जिसमें कुछ मेमोरी फास्ट वाली SSD हो और कुछ बड़ी बड़ी फाइल सेव करके रखने के लिए HDD वाली मेमोरी हो। अब आखिर में बात स्क्रीन और लैपटॉप के साइज़ की। अगर आपको लैपटॉप लगभग रोज़ ही इधर से उधर करना होता है तो कोशिश करिए कि आप ऐसा लैपटॉप लें जो हल्का हो और छोटा हो, वज़न 1.5 किलो से कम हो और स्क्रीन साइज 14 इंच से कम हो। ये लैपटॉप कीमत में थोड़े ज़्यादा होते हैं मगर सहूलत के लिहाज से काफ़ी सही होते हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन फुल HD तो हो ही। अगर आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का ज़्यादा काम है तो आप महंगा वाला 4K रेजोल्यूशन स्क्रीन वाला लैपटॉप भी ले सकते हैं, मगर ऐसी ज़रूरत बहुत कम ही लोगों को होती है। इनके अलावा आप अपनी निजी ज़रूरत के हिसाब से भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे लैपटॉप में मौजूद पोर्ट, कार्ड रीडर, वेबकैम, टचपैड का साइज, कीबोर्ड और स्पीकर वगैरह। अच्छे लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है। आजकल कई लैपटॉप बिल्कुल मैकबुक की ही तरह मेटल के बने होते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द ललन टॉप।